एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपने नन्हे मुन्ने के लिप्स आप कैसे पिंक रख सकते हैं, मतलब अपने बच्चे के लिप्स आप कैसे पिंक रख सकते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो बेबी के लिप्स पिंक ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे के लिप्स ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि बच्चा कंटिन्यूअसली माँ का दूध पीता है, जिस वजह से जो सपोर्ट लेता है वो लिप्स का सपोर्ट ही लेता है, तो जिस वजह से बच्चे के लिप्स ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लैकनेस होती है वो टेम्परेरी होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही होती है, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ही बच्चे के लिप्स पिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने बच्चे के लिप्स कंटिन्यू ही पिंक रख सकते हैं, बच्चे के जो लिप्स हैं वो ब्लैक नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए, घंटी को जरूर दबाएं आने वाले नोटिफिकेशन का पता करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स फ्रेंड्स के, जब आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो आपको डेली कॉटन के कपड़े से हल्का सा कपड़ा गीला करके बच्चे के लिप्स क्लीन जरूर करने चाहिए। हल्के हाथों से बच्चे के लिप्स क्लीन आप डेली करें तो इससे भी क्या होता है कि बच्चे के जो लिप्स होते हैं वो पिंक बने रहते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, जैसे ही आपका बच्चा फीडिंग कर लेता है तो आपको अपने बच्चे के लिप्स तुरंत क्लीन कर देने चाहिए। अब क्लीन करने के पीछे भी एक टेक्निक है, पुराना एक टोटका माना जाता है, बूढ़े बुजुर्ग इस चीज को मानते हैं, जो मैंने भी ट्राई किया हुआ है अपने दोनों बच्चों पे, कि आपको क्या करना है, जो फीडिंग कराने के बाद जो आपको अपने बच्चे के लिप्स क्लीन करने हैं वो कॉटन के कपड़े से करने हैं। जो कॉटन के कपड़े का कलर है वो रेड या पिंक होना चाहिए, ठीक है? तो आप ये टिप्स भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरा टिप्स फ्रेंड कि आप अपने बच्चे के होठों पर गाय के शुद्ध घी से हल्की हल्की मसाज भी कर सकते हैं, तो इससे भी बच्चे के लिप्स जो है वो पिंक बनते हैं। इसके बाद चौथा टिप्स, आप बच्चे के लिप्स पर चुकंदर का जूस भी लगा सकते हैं। चुकंदर का हल्का सा रस लगाने से भी बच्चे के जो लिप्स होते हैं वो पिंक होते हैं। इसके बाद जब भी आप मालिश करते हैं तो बच्चे की नाभि में 2 बूंद सरसों के तेल की आप जरूर डालिएगा, इससे भी बच्चे के लिप्स जो है वो हमेशा पिंक बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो अगर आप अपने बच्चे के लिप्स पिंक रखना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबाएं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।